आलू मटर से फारीक कर दिया है। आप ये मसाला जो तैयार पड़ा है, ऑयल और मसालों समेत जो हम सब कुछ डाला हुआ है, ये आप बना लेते हैं गोश्त का सालन और थोड़ा सा जा लेते हैं, ये भी काम आ जाएगा और खाने बनाने में। कि हम तो बहुत सारे खाने एक ही मटेरियल से और एक ही बर्तन में बना रहे हैं, तो इसमें अब डाल देंगे ये आलू। ये चार अदद आलू हैं, चार तो नहीं है बल्कि पांच हैं, छोटे छोटे हैं, इनके पीस आप डाल लें। और इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ा सा, जैसे ऑयल मौजूद है लेकिन क्योंकि शोरबा बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा इसमें डाल दिया। और बाकी नमक मिर्च तो बिल्कुल ठीक है, और बाकी नमक शायद कम पड़े, मिर्च बिल्कुल ठीक है। तो इसको हमें भूनना है और तकरीबन दो मिनट तक इसको भूनना है। आधे खाने का चम्मच नमक डाल रही हूँ, ठीक है। और इसमें हमने डालना है गरम मसाला एक खाने का चम्मच, बस ये हो गया। डाल देंगे गोश्त जो हमने तैयार करके मसाले समेत रखा हुआ, ये डाल दें क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है, तो इसको ज़्यादा चमचे नहीं चलाने क्योंकि ये काफ़ी गल चुका है। और अब इसमें हमने पानी डाले, दो गिलास पानी डालें, प्रेशर लगाएं ताकि आलू गल जाएं, गोश्त गलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जल्दी नहीं है तो आप 10 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे रख के तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे है जल्दी तो मैं इसको लगाती हूँ प्रेशर 6 मिनट की और ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, आलू गोश्त को प्रेशर आ चुका है और स्टीम ख़त्म हो गई है, तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब इसके ऊपर जो है हरी मिर्चें वगैरह छिड़केंगे। और उससे पहले मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि हमारा आलू गोश्त कितना मज़े का बना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, कितने जो है ना खाने बनाए हैं एक ही बर्तन में एक ही मटेरियल से, और आपकी आसानी के लिए जो है वो ऐसी ऐसी रेसिपीज टिप्स मैं लाती रहती हूँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान करते। और ये इसको अब डाल दें और इसके ऊपर थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता इसका छिड़क दें और ये तैयार। तो मज़ेदार आलू गोश्त बिल्कुल रेडी, आप इसको रोटी नान के साथ चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। और आसान सी सिंपल सी डिशेस मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ, और ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।